प्रेस काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस चंद्रमौली कुमार प्रसाद जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्रीमान राजवर्धन सिंह राठौड़, प्रेस काउंसिल के सचिव श्रीमती पूनम जी, प्रेस काउंसिल के मेंबर श्री रविंद्र कुमार, जूरी कमेटी के मेंबर श्रीमान के जी सुरेश, और सभी विचार और कलम के धनी भाई और बहनों, आज जिन महानुभावों का सम्मान हुआ है, सत्कार हुआ है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रेस काउंसिल 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि इसमें बीच में कालखंड ऐसा भी आया था जबकि प्रेस काउंसिल को ख़त्म कर दिया गया था, इसलिए हो सकता है कि इस कालखंड को जोड़ करके करें तो आपको फिर 2 साल के बाद दोबारा एक बार 50 साल मनाने के बाद। वैसे 1916 में शायद ये स्वीडन में इसकी दिशा में काम हुआ, लेकिन तब जब उसका नाम था वो था कोर्ट ऑफ ऑनर फॉर द प्रेस, और बाद में इसका नाम बदलते बदलते प्रेस काउंसिल की ओर चला, और शायद दुनिया में आजकल वो प्रेस काउंसिल इस नाम से ही परिचित है। एक स्वतंत्र व्यवस्था है और ये व्यवस्था ज़्यादातर तो इस क्षेत्र की स्वतंत्रता बनाए रखना, अभिव्यक्ति की आज़ादी को बरकरार रखना, और कभी कोई तकलीफ आए तो खुद बैठ करके उसको सुलझाना, खुद ही इसमें बदलाव लाते रहना। उसी प्रकार से पुराने युग में इतनी चुनौतियां नहीं थी जितनी शायद इस युग में है। बहुत ही वरिष्ठ जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं उनके पास सोचने का समय रहता था, जब वो अपना रिपोर्ट फाइल करके शाम को घर लौटते थे तब भी दिमाग में रहता था कि मैंने आज रिपोर्ट फाइल की है, कल छप पे आएगी, शायद ये शब्द ठीक नहीं रहेगा, तो फिर घर जाके वो कोशिश करते थे, डेस्क के जो चीफ होंगे उसको कांटेक्ट करना या एडिटर को कांटेक्ट करना, अभी मैं लिख करके आया था लेकिन शायद ये शब्द ठीक नहीं रहेगा, लगता है ये शब्द अच्छा रहेगा। उस समय उसका टेलीफोन कम्युनिकेशन भी नहीं था, कभी वो वापस चले जाते थे रात को भी, और पेज निकलने के समय भी जाकर के अरे भाई कुछ देखो ये ना हो तो है। उसके पास एक लिखने के बाद भी सुबह छपने तक उसके मन पर एक दबाव रहता था, चिंता रहती थी कि मैं जो रिपोर्ट करके आया हूँ या जो मैं लिख करके आया हूँ कल निकलेगा तो उसके क्या क्या प्रभाव होगी, मेरा शब्द ठीक था कि नहीं था, मेरा ये हेडलाइन में बनाने की कोशिश का उचित है, और उसको सुधार के लिए कोशिश भी करता था। आज जो लोग हैं उनके पास ये अवसर ही नहीं है, इतनी तेज गति से उसको दौड़ना पड़ रहा है, खबरों की भी स्पर्धा है, उद्योग गृहों की भी स्पर्धा है, ऐसे में उसके सामने बड़ा संकट रहता है कि भाई
फिर जो बोल बोलने वालों के लिए जो बोल दिया दिखाने वालों के लिए जो दिखा दिया और छपने वाला छपते थे कि तो पहले अब उनको अभी ऑनलाइन मीडिया चलाना पड़ रहा है। यानी इतना तेजी से बदलाव आया है। इस बदलाव की स्थिति में इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस कैसे इन सबको मदद रूप हो, उनकी कठिनाइयों को कैसे दूर करें। सीनियर लोग बैठ करके नई पीढ़ी के लोगों को किस प्रकार से उपयोगी होना को कोई मैकेनिज्म तैयार हो, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है। उस क्षेत्र को महात्मा गांधी कहते थे कि अनियंत्रित लेखनी ये बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकती है। लेकिन महात्मा गांधी ये भी कहते थे कि बाहर का नियंत्रण तो तबाही पैदा कर देगा, और इसलिए बाहर के नियंत्रण की कल्पना उस समाज को आगे ले जाने वाली कल्पना हो ही नहीं सकती। स्वतंत्रता, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी आजादी, उस प्रिंसिपल को पकड़ना, लेकिन साथ साथ अनियंत्रित अवस्था, हम कितने ही तंदुरुस्त क्यों न हो फिर भी माँ कहती है, कह रहे भाई थोड़ा कम खाओ या ये मत खाओ। कोई माँ दुश्मन नहीं है, लेकिन वो माँ घर में है इसलिए कह रही हो। बाहर वाला कहेगा तो तुम कौन होते है मेरी तबीयत की चिंता करने वाले, मैं हूं। और इसलिए ये व्यवस्था ऐसी है कि जो परिवार में ही संभलनी चाहिए, सरकारों ने तो जरा भी उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। आप ही लोगों ने बैठ करके इसी काउंसिल जैसी व्यवस्था के माध्यम से, सीनियर लोगों के अनुभव के माध्यम से और समाज का सर्वग्राही हित देख करके हम इन अवस्थाओं को विकसित कैसे करें। ये बात कठिन है कि भाई अपनों के बीच में किसी की आलोचना कैसे करें। कोई बाहर वाला कर ले तो हम रिपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बैठ के क्या करें। और इसलिए ये कठिन काम होता है, आत्मावलोकन बहुत कठिन काम होता है। मुझे बराबर याद है, मैं जब दिल्ली में रहता था, मैं मेरी पार्टी के संगठन का काम करता था, उन दिनों में कंधार की घटना हुई थी। और कंधार की घटना हुई, विमान हाईजैक हुआ, और हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस समय अभी शुरुआती दौर पे था, तो एकदम उनका भी कोई दोष नहीं था कि कोई कैसे हो गया, लेकिन वो शुरुआती दौर एक प्रकार से था। लेकिन उसमें जो परिवार के लोग जहाज में फंसे थे, उनकी खबरें, वो परिवार लोग जुलूस निकाल रहे थे, सरकार के खिलाफ नारे लगाते थे और बस उनको छुड़वा दो। और जैसे यहाँ गुस्सा बढ़ता था, वहाँ आतंकवादियों का हौसला बुलंद होता था। अच्छा अच्छा हिंदुस्तान का हाल ऐसा है कि अब तो जो चाहे वो करवा सकते हैं। लेकिन ये घटना चलती रही। लेकिन मेरी जानकारी है, बाद में मीडिया के सभी लीडर लोग बैठे थे, सभी प्रमुख लोग बैठे थे, इन हाउस बैठे थे, और प्रेस काउंसिल शायद उसमें नहीं थी, अपने आप बैठे थे, और बैठ कर के स्वयं ने अपने बाल नोच लिए थे। मैं मानता हूँ ये छोटी घटना नहीं है। बहुत लोगों को ये तो याद है कि ऐसा ऐसा रिपोर्टिंग हुआ था, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि खुद मीडिया के लोगों ने मिलकर के अपने खुद के बाल नोचे थे। और हमने क्या गलती की, क्यों की, कैसे नुकसान हुआ, हम कैसे बह गए, और सबने मिलकर के कुछ नॉर्म्स पालन करना चाहिए, इसकी काफी चर्चा की थी। सर अरुण जी यहाँ बैठे हैं, शायद उनको पता होगा कि उस समय उनकी भी शुरुआत हो गई थी, और उन्होंने कुछ नॉर्म्स तय किए थे। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सेवा का वो अवसर था। दूसरा अवसर आया था 26/11 का, 26/11 का। उसके बाद जब मुंबई की घटना घटी,
उसमें बैठे उसका रेफरेंस भी आया अफगानिस्तान वाली घटना का, लेकिन इतने अलग अलग व्यूज हो गए कि वो न आत्मनिरीक्षण कर पाए, इसलिए नहीं को करना नहीं चाहते थे, बैठे थे तो करने के लिए, खुद ही बैठे थे, लेकिन बात अधूरी छूट गई। लेकिन जब तक इस प्रकार की संवेदन मानसिकता की लीडरशिप प्रेस वर्ल्ड में है, मीडिया वर्ल्ड में है, मैं मानता हूं गलतियां हमसे भी होती हैं, गलती आपसे भी होती है, गलती औरों से भी होती है, गलतियों के आधार पर मीडिया का मूल्यांकन करना उचित नहीं होगा। लेकिन ये खुशी की बात है कि उसमें एक बहुत ही मैच्योर जिम्मेवार वर्ग है जो चाहता है कि इसको हम ही बैठ करके बुराइयों से कैसे बचाएं, कमियों से कैसे बचाएं और अधिक ताकतवर कैसे बनाएं, ये अपने आप में इस जगत के लिए एक उम्दा प्रयास है, ऐसा मैं मानता हूं, और ये निरंतर चलते रहना चाहिए। लेकिन बाहर के नियंत्रणों से, बाहर के नियमों से ये स्थिति नहीं बदलेगी। जब देश में इमरजेंसी आई, प्रेस काउंसिल को ही खत्म कर दिया गया था, यानी मूलभूत बात को ही खत्म कर दिया गया था, और करीब 1.5 साल तक ये बंद रहा। बाद में 78 में जब मुरारजी भाई की सरकार आई तो इस व्यवस्था का पुनर्जन्म हुआ, और उस समय मीडिया के प्रति बड़ी उदारता का माहौल था। जब 78 में फिर से काम हुआ तब इसका रूप उसमें से निर्माण हुआ, लेकिन अब तक वो वैसा ही चल रहा है। ये प्रेस काउंसिल के साथ जुड़े हुए लोगों का, प्रेस से जुड़े हुए लोगों का भी ये दायित्व बनता है कि हम समयानुकूल परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए क्या कर सकते हैं। सरकार को भी एक तो होता है कि डेली हमारा जो क्षेत्र है वहां के द्वारा हम सरकार को जो कहना है कहते रहे, लेकिन उसके अलावा भी एक व्यवस्था हो सकती है क्या कि जिसमें सरकार की जानकारियों का अभाव, इसके कारण समस्याएं कैसे पैदा होती हैं, सरकार को जानकारियां देने के तरीके अगर 30 साल पुराने होंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन सरकार में ये बदलाव लाने के लिए भी, सरकार की इस कार्यशैली में बदलाव लाने के लिए भी प्रेस काउंसिल के सीनियर लोग मदद कर सकते हैं। जानकारियां देने के तरीके कैसे बदले हम लोग, और ये सब सरकारों की जिम्मेवारी है। ये ठीक है, पत्रकारिता का एक अनिवार्य हिस्सा ये भी है कि जो दिखता है, जो सुनाई देता है, उसके सिवाय भी कुछ खोजना, और इसका महत्वपूर्ण अंग है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कम से कम जो सुनाई दे, जो दिखाई दे, वो भी कुछ ढंग से दिखाई दे, सुनाई दे, और समय पर सुनाई दे, समय पर दिखाई दे, ये जिम्मेवारी प्रमुखतया सरकार में बैठे हुए लोगों की है। लेकिन ये मैं देख रहा हूं कि इस कम्युनिकेशन गैप को, क्योंकि हर बार मेरी पत्रकार जगत के मित्रों से दोस्ती बहुत पुरानी रही है, उनका ये हमेशा, अरे भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। ये ठीक है, उसको 10% जानकारी चाहिए, 90 तो फिर वो अपना कहीं से पहुंच जाएगा, ले आएगा, उसको सिर्फ पता चलना चाहिए अच्छा ये हो रहा है तो बाकी में पहुंच जाएगा, उसकी शिकायत उस पहले वाले 10% की है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, फिर सरकारों में भी सिलेक्टिव लीकेज का शौक हो जाता है, दो अच्छे प्रिय लगते हैं जरा सरकार की वाह वाह के, उसको जरा खबर दे दो। ये ऐसी सरकार की भी बुराइयां, कमियां, या कहीं कहीं नॉन सीरियस एटीट्यूड, ये भी बदलाव की जरूरत मांगता है। प्रेस काउंसिल में ऐसी भी अगर कुछ चर्चाएं होती है और सरकार के सामने रखा जाए, सरकार कर पाए नहीं कर पाए वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कम से कम ये भी तो होना चाहिए भाई, आप हम मीडिया वालों को तो सुबह उठते ही आप लोगों की शिकायत रहती है, लेकिन हमारी शिकायत भी तो सरकार सुने। ये टू वे चैनल
ये टू वे चैनल अगर हमारी जीवंत होती है तो बदलाव की जो अपेक्षाएं हैं, दोनों तरफ अपेक्षाएं हैं, और उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए, उसका लाभ किसी पार्टी इन पावर को या पर्सन इन पावर को नहीं मिलना चाहिए। जो भी बेनिफिट है वो जनता को जाना चाहिए, जो भी बेनिफिट है वो भविष्य को जाना चाहिए, उज्ज्वल भविष्य के लिए नींव डालने के लिए होना चाहिए। ये अगर हम कर पाते हैं तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ऐसे अवसर बहुत काम आते हैं, और उस अवसरों का हमने उपयोग करना चाहिए। इन दिनों खासकर से प्रेस के, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों, और पिछले दिनों जो हत्या की खबरें आई, ये दर्दनाक है। किसी भी व्यक्ति की हत्या दर्दनाक है, लेकिन मीडिया वाले की हत्या इसलिए हो कि वो सत्य उजागर करने की कोशिश करता था, तब वो जरा अति गंभीर बन जाती है, अधिक चिंताजनक बन जाती है। जब हम मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग मिली थी, तब भी मैंने आग्रह से इस विषय को रखा था कि हमने सिर्फ, हम आज़ादी के पक्षकार हैं, हम स्वतंत्रता के पक्षकार हैं, ये हमारे सिद्धांतों को हम कहते रहे, इसे इनप नहीं है। हम सरकारों का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों के साथ जो भी गलत आचरण होता है उनको न्याय मिलना चाहिए, उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, और ये सरकारों की प्रायोरिटी के लिस्ट में होनी चाहिए। वरना सत्य को दबाने का ये दूसरा अति भयंकर तरीका है। एक आध बार कोई गुस्से में आकर के किसी मीडिया की आलोचना कर दे तो वो वाणी स्वतंत्रता का नेगेटिव हिस्सा मान करके चलो सब लोग माफ कर देंगे, लेकिन हाथ उठा ले कोई, शरीर पे वार कर दे, ये तो सबसे बड़ा क्रूर जुल्म है स्वतंत्रता के ऊपर। और इसलिए सरकारों को भी इस विषय में उतना ही संवेदनशील होना, उसकी प्रायोरिटीज को लेगा, ये बहुत आवश्यक है। जो खुशी की बात है कि आज हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों के महानुभाव भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि एक प्रकार से हम आज वृत्त जगत, उसका प्रभाव की कोई सीमाएं नहीं रही है, ये बहुत तेजी से ट्रैवल कर रही है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जितना होता है उतना लाभ होता है। नेपाल के भूकंप की खबरों ने पूरे हिंदुस्तान को नेपाल के लिए दौड़ने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन किसी और के देश की खबर है, चलो है खबर, ऐसा ही रहा होता तो शायद हिंदुस्तान में जितनी तेजी से नेपाल को मदद पहुंचने का हुआ वो शायद समाज पूरा नहीं हिलता, क्योंकि पता ही नहीं चलता। लेकिन जैसे ही नेपाल की खबरें आई और हिंदुस्तान के मीडिया ने नेपाल के लोगों की तकलीफ की बात हिंदुस्तान के लोगों को पहुँचाई, और सारे देश में नेपाल के लिए कुछ करना चाहिए इसका माहौल बना, मानवता का एक बहुत बड़ा काम हुआ। तो ये आज हमारी सीमाएं रही नहीं है, इस प्रकार से हम एक दूसरे को पूरक बने, एक दूसरे की मदद करें, इससे भी एक पूरे इस भूभाग में एक सहयोग का माहौल, इस प्रकार से मिलन से कुछ वेरीफाई करना है तो बड़ी आसानी से वेरीफाई हो जाता है। कभी कभार हर एक के कोई प्रतिनिधि तो हर देश में होते नहीं है, लेकिन कांटेक्ट होते हैं तो बात करके पूछ लेते, भाई सुना है भी जरा बताइए ना, तो कहेगा भाई मैं एक आध घंटे में बता देता हूँ, देखता हूँ मैं, मेरा कोई दो तीन सोर्स है, मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन आवश्यक है कि इस प्रकार का हमारा कोऑर्डिनेशन जितना बढ़े, और ख़ास करके हमारे पड़ोस के देशों के साथ जहाँ हमारा मित्रता का व्यवहार बहुत अधिक है, सुख दुख के हमारे साथी हैं, उन सब के लिए हम जितना जोड़ करके चलेंगे तो हो सकता है कि इस पूरे भूभाग के लिए और विश्व में भी एक सकारात्मक छवि बनाने में ये हमें काम आ सकता है। एक तंदुरुस्त स्पर्धा समाज जीवन में बहुत आवश्यक हो गई है, और हेल्दी कंपटीशन को कैटलिक एजेंट के रूप में मीडिया बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। इन दिनों आपने देखा होगा, इंडिया टुडे ने तो बहुत पहले शुरू किया था, राज्यों के बीच वो रेटिंग करते थे कि कौन राज्य किसमें क्या परफॉर्म कर रहा है। वो धीरे धीरे राज्यों के लिए वो एक बेंचमार्क बनने लगा
कि भाई चलिए हम भी कुछ इन चार चीज़ों में पीछे हैं, हम आगे बढ़े, हम करें, एक सकारात्मक कंट्रीब्यूशन रहा। इसने एक हेल्दी कंपटीशन का वातावरण बनाया। इन दिनों मीडिया के द्वारा, जो कि उनके क्षेत्र का विषय नहीं है, सफाई को लेकर के अवार्ड देना, सफाई को लेकर के लोगों को सम्मानित करना, सफाई को लेकर के जूरी बना करके इलाके में जाना, ये मीडिया के द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं ये जो माहौल शुरू हुआ है, ये भारत को नई ताकत दे सकता है, जिसमें एक कॉम्पिटिटिव नेचर क्रिएट हो रहा है, हेल्दी कॉम्पिटिशन का नेचर क्रिएट हो रहा है। जो अच्छा, उस राज्य ने यह किया, हम ये करेंगे, उस शहर ने यह किया, हम ये करेंगे, ये एक सकारात्मक माहौल बन रहा है। स्वच्छता के अभियान में तो जरूर इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन हमारे समाज जीवन में अच्छाइयों की कोई कमी नहीं है। और मैं पहले भी कहा हूं, और आलोचना के रूप में नहीं कहा है, जीवन की सच्चाई के रूप में कहा है, कि जो टीवी के पर्दे पर दिखता है वही देश, ऐसा नहीं, इसके सिवाय भी देश बहुत बड़ा है। जो अखबार के पन्नों में चमकते हैं वही नेता, ऐसा नहीं है, जो कभी नाम अखबार में नहीं छपा वो भी समाज जीवन में बहुत उत्तम नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं। और इसलिए इन शक्तियों को बाहर लाना, और भारत जैसे देश में ऐसे एक कॉम्पिटिटिव सकारात्मक वातावरण, उसको अगर हम बल देंगे तो समाज को भी लगता है यार हम अच्छा करेंगे, हम भी अच्छा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का ये दिवस हम सब के लिए आत्मचिंतन के साथ और अधिक सशक्त बनने के लिए काम आए, मानवीय मूल्यों की रक्षा करने के लिए काम आए, भारत की भावी पीढ़ी के लिए हम ऐसी नींव को मजबूत करते चले जाएं जो भावी पीढ़ी को मानवीय मूल्यों की सुरक्षा के लिए सहज अनुभूति करा सके। इसके लिए आज के अवसर पर फिर एक बार इस क्षेत्र को समर्पित सभी महानुभावों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।